ये तो आपको भी पता होगा कि शिव भगवान को देवों का देव कहा जाता है। भगवान शिव को स्वभाव से बहुत ज्यादा शांत माना जाता है, लेकिन जितने वो शांत दिखते हैं उन्हें उतना ज्यादा क्रोध भी आता है। और कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति से शिव भगवान खुश हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी मुसीबतें नहीं आती हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति से शिव जी गुस्सा हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में दुखों की घड़ी शुरू हो जाती है। आए दिन तरह तरह के महासंयोग बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी राशियों के किस्मत चमकती है तो कभी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि अब एक ऐसा ही महासंयोग बनने जा रहा है, जिसकी वजह से शिव भगवान कुछ राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। इस महासंयोग की वजह से आने वाले 2.5 साल तक शिव भगवान कुछ राशियों पर मेहरबान होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में। पहला, वृषभ राशि। बता दें कि इस महासंयोग की वजह से वृषभ राशि के लोगों को आने वाले 2.5 साल तक धन का लाभ होगा। इस राशि के लोग अगर लॉटरी या सट्टा बाजार में थोड़ा बहुत भी पैसा लगाते हैं तो वृषभ राशि के लोगों को इतना धन होगा कि जिसकी उन्होंने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। ये समय आपके और आपके परिवार के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरा, धनु राशि। जिस दूसरी राशि पर भगवान शिव अपनी कृपा बरसाने जा रहे हैं वो राशि है धनु राशि। बता दे कि भगवान शिव की कृपा से आने वाले 2.5 साल तक इस राशि के लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से धनु राशि के लोगों को समाज में लोगों से खूब प्रशंसा मिलेगी। इस राशि के लोगों को उनके द्वारा किए जा रहे हर काम में सफलता मिलेगी और खूब सारा धन लाभ भी होगा। धनु राशि के जो लोग भी नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में लाभ होगा। तीसरा, कन्या राशि। जिस तीसरी राशि पर भगवान शिव की कृपा बरसने जा रही है वो राशि है कन्या राशि। आपको बता दें कि शिव भगवान की कृपा होने से इस राशि के लोगों के लिए आने वाला 2.5 साल बहुत ही अच्छा होगा। इस महासंयोग की वजह से इस राशि के लोगों के परिवार में खुशियां आएंगी। कन्या राशि के लोगों को उनके द्वारा किए जा रहे हर काम में परिवार और दोस्तों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।